भारत में बाघों को बचाने का प्रयास कई सालों से चल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश में कई जगह टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई। तब से अब तक देश में करीब 50 खास क्षेत्र टाइगर रिजर्व की हैसियत से रिजर्व किए गए हैं, जहां हम यात्रा कर कहीं न कहीं इन बाघों को देख सकते हैं। इनकी खास तौर से ट्रेनिंग होती है और निगरानी करते हुए उनकी देखभाल भी की जाती है। यहां तक सभी रिजर्व में बाघों के इंसानों की तरह भी नाम होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन बाघों का नाम रखा कैसे जाता है? अगर नहीं पता तो चलिए आपको बताते हैं बाघों के रखे जाने वाले नामों के पीछे की दिलचस्प कहानी। अगर आप किसी टाइगर रिजर्व या कोई नेशनल पार्क में सफारी के लिए जाएंगे तो वहां आप माया को जरूर देखिएगा। वही माता राम के जवाब नहीं जैसे कई तरह के संवाद सुनने को मिल सकते हैं। इन संवादों में जो नाम है वास्तव में वे किसी और के नहीं बल्कि किसी बाघ या बाघिन के होते हैं। मजेदार बात ये है कि इस तरह के नाम बहुत सामान्य बोलचाल में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे किसी जान पहचान के व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो। यहाँ गाइड, फॉरेस्ट अफसर, आसपास के गांव वाले और यहाँ तक कि सफारी में आए लोग भी अपनी बातचीत में बाघ बाघिनों को उनके नाम से ही पुकारते हैं। भारत में बाघों का केवल कोई T12, T15 जैसा कोड नहीं होता है। उनके वैसे ही नाम होते हैं जैसे हम अपने पालतू जानवरों का रखा करते हैं। लेकिन इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, बाघों के नाम रखे जाने के लिए आखिर क्या तरीका अपनाया जाता है, आपको ये बता देते हैं। दरअसल कई बार बाघों के शरीर के निशान के आधार पर ही नाम होते हैं, जिसके जरिए वन विभाग के कर्मचारी इन्हें पहचानते हैं। तो वहीं कई बाघ अपने किसी विशेष गुण या फिर उपलब्धि की वजह से खास नाम अर्जित कर रहे होते हैं। कुछ नाम जहां कॉमन इंसानी नाम होते हैं तो कुछ अजीब से नाम भी लगते हैं। अगर हम इंडियन में बाघों के नाम रखे जाने की परंपरा की बात करें तो इंडिया में बाघों के नाम रखने की परंपरा की शुरुआत का श्रेय राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की बाघिन मछली को जाता है। मजेदार बात यह है कि इसका नाम मछली की वजह से नहीं बल्कि एक मगरमच्छ को मारने की वजह से पड़ा था। और तो और इसकी माँ के गाल पर मछली के निशान थे और उसका नाम भी मछली ही था। जब एक न्यूज चैनल की टीम माँ मछली की डॉक्यूमेंट्री बनाने रणथंभौर पहुंची थी तब तक माँ मर चुकी थी और बेटी को मछली का नाम मिल गया था। आपको बता दें कि मछली की साल 2018 में मौत हो गई थी, लेकिन उसकी जगह अब उसकी पोती एरोहेड उर्फ जूनियर मछली ने ले ली है। इस बाघिन के माथे पर तीर जैसा निशान दिखाई देता है जिसकी वजह से इसे ये नाम मिला है। इसकी माँ का नाम कृष्णा था और कई जगह इसे मछली जूनियर के नाम से भी संबोधित किया गया है। अब उसके इलाके पर उसकी बेटी रिद्धि का कब्जा है। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि टाइम टू टाइम बाघों के नाम में बदलाव भी होते रहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में T15 बाघिन का नाम कॉलर वाली पड़ गया था क्योंकि उसके गले में रेडियो कॉलर लगा हुआ था जिससे उसे ट्रैक कर उस पर निगरानी रखी जा सके। उसने अपने आधे जीवन काल में 8 बार कुल 29 बच्चों को जन्म दिया था जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। उम्र बढ़ने के साथ ही पेंच में उसे माता राम कहा जाने लगा था। इसी तरह से महाराष्ट्र का तडोबा माया की वजह से मशहूर है। T12 बाघिन का नाम माया इसलिए रखा गया क्योंकि उसके कंधे पर अंग्रेजी के M अक्षर से मिलती जुलती आकृति है। माया पर्यटकों में खासी लोकप्रिय है और हर पर्यटक माया को जरूर देखना चाहता है। इसी तरह से मटकासुर बाघ के बारे में इलाके के आदिवासियों ने अफवाह फैलाई थी, वो मटकों में रखी शराब पीने आता है, इसी पर बाघ का नाम ही मटकासुर पड़ गया। इसी तरह कान्हा का मुन्ना दूसरे बाघ से लड़ते हुए अपना पैर घायल कर बैठा और जीवन भर के लिए लंगड़ा कर चलता रहा, जिस कारण उसका नाम प्यार से मुन्ना रख दिया गया। इस तरह हर बाघ के नाम की कोई ना कोई कहानी होती है। उम्मीद करते हैं आप इसे जानकर काफी सीख पाए होंगे और जानकारी भी हासिल कर पाए होंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।